मैं अपना बताऊंगा कि मेरा मार्क्स कितना आया था और मेरे टाइम पे मेरे जो उनका कट ऑफ कितना गया था। मान लो उस टाइम 26,000 सीट था, अभी मान लो कि 57,000 के आसपास सीट है, तो क्या इस बार कितना कट ऑफ जाना चाहिए? तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले वीडियो में। और ये वीडियो होने वाला है फाइनल 2024 के कट ऑफ को लेके, कि फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं अपना बताऊंगा कि मेरा मार्क्स कितना आया था और मेरे टाइम पे मेरे जोन का कट ऑफ कितना गया था, और हर जोन का एक एवरेज मैं एवरेज बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग ये बता रहे हैं कि पेज पे लिख लिख के कि ये वाला ऐसे नहीं, इस जोन का नहीं। मैं एक एवरेज बताऊंगा हर जोन का कितना होता है। और बहुत लोगों को ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि पिछला बार 26,000 एएलपी का वैकेंसी था, लेकिन इस बार कितना है? तो इस बार लगभग लगभग 5,600-5,700 के आसपास है। तो बहुत लोगों को लग रहा है कि इस बार 90 पार चला जाएगा, तो ये मुझे नहीं लगता। रीजन मैं बताऊंगा क्यों, लॉजिक के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा कितना मार्क्स था CBT 1, CBT 3 और साइको, और उस टाइम कितना गया था। तो CBT 1 में बहुत बार बता चुका हूं कि 36 नंबर के आसपास मेरा था, और नॉर्मलाइज होकर ऐसे 40 से 45 के बीच में 42 के आसपास मेरा मार्क्स आया हुआ था। मेरे पास उसका सबूत नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम ऐसे सिलेक्शन कितने हुआ था, देखो पहली बार जो CBT 2 के लिए सिलेक्ट हुए थे लड़के उसमें, तो CBT 1 के लिए ही दो बार आया हुआ था। पहली बार 32-33 के आसपास जिनका भी मार्क्स था उनका हो गया था, तो मैं पहली बार वालों में था। और उसके बाद 29-30 नंबर जिनका था उनको भी ले लिया था CBT 2 के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। उसके बाद बात करते हैं CBT 2 के पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी पहले बता देता हूं, पार्ट बी में मेरा मार्क्स 45 था, और उसके बाद नॉर्मलाइज होने के बाद 55 के आसपास गया था, अच्छा बढ़ गया था, ठीक है। और जो CBT 2 का जो मार्क्स है, CBT 2 में मेरा रॉ मार्क्स 68 नंबर था, और नॉर्मलाइज होके 72 पॉइंट समथिंग गया हुआ था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो साइको का मार्क्स है वो भी तो ऐड होता है, तो साइको के बाद साइको में मेरा मार्क्स कितना आया, तो 33.89 मार्क्स मेरा था, और इसका 70% और इसका पूरा मार्क्स जोड़ने के बाद मेरा 75 पॉइंट समथिंग नंबर था। अब इसमें बात करते हैं कि मान लो कि मेरा अगर 75 नंबर था तो मैं कहां था, मतलब 25-2600 सीट था जो, उसमें मैं कहां था। देखो जब कट ऑफ का बात हो रहा है तो कट ऑफ में आने के लिए अच्छे अच्छे बुक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो पहला वाला जो बुक सामान्य ज्ञान का है, वन लाइनर अप्रोच, एक ऐसा बुक है जो कि एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित है, स्पेशली रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, स्टार मार्क करके चार्ट वाइज अच्छे से डिटेल्ड, पूरा साइंस के लिए अच्छे से और पूरे जीके के लिए अच्छा है। और दूसरा वाला जो बुक है आरआरबी एएलपी का CBT 1 CBT 2 का प्रीवियस ईयर, तो आपको मिलेगा ही, इसमें ट्रेड का भी मिलेगा। और फायदा क्या होता है प्रीवियस ईयर लगाने का, कि अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो तो आपका स्पीड इंक्रीज होगा, और इंपॉर्टेंट चैप्टर वगैरह दूसरे से नहीं पूछना पड़ेगा, खुद मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर बाय कर सकते हो। तो देखो 72 मार्क्स पे सबका सिलेक्शन हुआ था, 72 मार्क्स मतलब हम लोगों का कट ऑफ गया हुआ था ये फाइनल के लिए, फाइनल में लास्ट, एकदम लास्ट, डीवी का नहीं बात कर रहा हूं, लास्ट कट ऑफ जिसमें सिलेक्शन हो गया, पैनल का मैं बात कर रहा हूं। तो मेरा सेकंड पैनल जो था, पहले 600 लड़कों का आया था और दूसरा भी 600 लड़कों का ऐसे कुछ आया हुआ था, उसमें मेरा नंबर कहां था, तो मैं 1000 में से ऊपर लड़कों में था, सिर्फ 72 मार्क्स, सिर्फ 72 मार्क्स पे आप 1000 लड़कों में ऊपर में हो, सिकंदराबाद डिवीजन में। मैं साइको देने गया था तो मेरे एक सीट पे 83 लड़के थे जब मैं साइको दे रहा था। तो इससे एक चीज क्लियर होता है कि मान लो कि उस टाइम 26,000 सीट था, अभी मान लो कि 57,000 के आसपास सीट है, तो क्या इस बार कितना कट ऑफ जाना चाहिए, 90 पार चला जाएगा क्या? नहीं। क्यों मैं बता रहा हूं, देखो अभी तक मैं यहां पे हूं, सिलेक्टेड आदमी से मिल चुका हूं, तो इन सिलेक्टेड लोगों में 85 से ऊपर मैं किसी का मार्क्स नहीं सुना, किसी का नहीं, अभी तक मैं जिनसे मिला हूं किसी का 85 से ऊपर मार्क्स नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो नंबर आया नहीं होगा, आया होगा, लेकिन वो लोग ना भाई हर जोन में 10 या 12 ही होते हैं जो 90 से ऊपर ला दिए। तो ऐसा थोड़ी है कि इस बार ब्रिलियंट लड़के ज्यादा हो गए, पिछली बार कम थे, ऐसा तो नहीं है। यहां पे मैं एवरेज मार्क्स सुना हूं बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट लड़कों का, 81, 82, 83, यही, इससे ज्यादा तो मैं नहीं सुना हूं किसी का भाई मेरा 90-95 था, नहीं, 90-95, 85 से ऊपर 89, ये नंबर क्या हुआ था 12th वालों के लिए, इस बार नहीं। तो इसमें मैं एस्टिमेटेड CBT 1 का कट ऑफ बोल सकता हूं कि आप अगर रॉ मार्क्स 45 से ऊपर ला रहे हो अभी टेस्ट वगैरह में, तो आप निश्चिंत रहो कि आपको CBT 2 देने का मौका मिलेगा। और CBT 2 के लिए एवरेज मैं हर जोन का बता देता हूं कि CBT 2 के लिए मेरे हिसाब से अगर आप रॉ मार्क्स 75 से ऊपर लाते हो और नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 80 से ऊपर मार्क्स जाता है, जो कि जाएगा ही, 4-5 नंबर हमेशा बढ़ता है, तो भी आप 100% श्योर रहो कि आपको साइको देने का मौका मिलेगा।
75 से ऊपर कहने का मतलब कि अगर एवरेज एक पूछे कि कितना पे हो सकता है फाइनल कट ऑफ, तो मैं बोलूंगा 78 मार्क्स से लेके 83 मार्क्स के बीच में ही हर जोन का एवरेज कट ऑफ रहेगा। एक दो नंबर ज्यादा भी हो सकता है, एक दो नंबर कम भी हो सकता है। क्योंकि रीजन इसका क्या है कि देखो, एक मैं लॉजिक और बता देता हूं कि मेरा एक दोस्त था कृष्णा नाम का, इलाहाबाद में जब हम पढ़ते थे, उसका सीबीटी 2 में मार्क्स था 85 से ऊपर, 87 के आसपास। तो क्या हुआ कि वो साइको में फेल हो गया। तो यही चीज इस एएलपी के कट ऑफ को बहुत मतलब ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। रीजन क्या है कि जो बहुत ब्रिलियंट लड़का है वो साइको ही पास नहीं कर पाया, या फिर ट्रेड में फेल हो गया, ये सब रीजन होता है। अगर ये कोई सोचे कि जितना वैकेंसी उस बार था उससे कम है, तो भाई ठीक है, लेकिन उस टाइम भी बहुत ज्यादा ब्रिलियंट जो थे वो थे, और बहुत ज्यादा जो ब्रिलियंट है वो यूपीएससी यूपीएससी का ट्राई करें ना, वो एएलपी में क्यों आएंगे। ये रीजन होता है कि आपका कट ऑफ, मान लो कि 10 लड़के ब्रिलियंट है तो वो 90 नंबर लाके वो सेलेक्ट हो गए, उसके वजह से आपका थोड़ी नंबर मतलब और नीचे भी तो है एवरेज लड़के। तो मैं बोलूंगा कि देखो, मान लो मुंबई जोन में आप डाल रहे हो 700 सीट है, उसमें से अगर 100 लड़के भी 90 पार लाते हैं, 100 लड़के भी, फिर भी आपके लिए 600 बचा हुआ है। और 600 में मान लो 200 लड़के भी 80 पार लाते हैं, मतलब 85 नंबर से ऊपर लाते हैं, फिर भी आपके पास 500 सीट है जो एवरेज रहेगा 75, 80, 83 ऐसा। मेरा एस्टिमेटेड हर तरह से, मैं पहला बोलूंगा सीबीटी 1 के लिए तो मेरा 45 नंबर आप रॉ मार्क्स ला रहे हो जाएगा, 75 से ऊपर आप सीबीटी 2 पार्ट ए में ला रहे हो तो आपको साइको देने का मौका मिलेगा। और साइको ये सब आपका जोड़ के मान लो कि 79, 83 इसके बीच में रहता है, तो मैं बोल रहा हूं कि हाँ कट ऑफ में आ जाओगे। मेरे हिसाब से ये एस्टिमेटेड कट ऑफ रहेगा इस बार का। लास्टली ये एक ऐसा आता है कि भैया एससी एसटी का, ओबीसी का, जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा, ये बता दो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों का एम क्या होना चाहिए, जो लोग पढ़ रहे हैं, कि मैं अपना हाईएस्ट स्कोर करूं। क्योंकि एक होता है, मेरे सर भी बोलते थे और मैं भी माना हूं, कि अगर आप 50 लेके चल रहे हो, मेरा 50 आएगा, तो उसमें से 10 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर कम ही आता है हमेशा, ये हमेशा ही होता है। तो इसलिए आप ये सोचो कि भाई मैं 100% अपना मेहनत करूं और मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम अचीव कर सकूं। ये लोग कट ऑफ का वीडियो देख के ये करके कि मान लो कोई बोल दिया कि 90 नंबर जाएगा, 90 नंबर अगर जाता है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार मेरा तो उतना नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस चक्करों में कम पढ़ो और मेन किस पे ध्यान दो कि भाई मैं अपना हाईएस्ट कैसे स्कोर कर सकता हूं, वो चीज पे फोकस करो कि मैं अपना हाईएस्ट स्कोर करूं। कट ऑफ में आना ना आना, जोन सिलेक्शन में बहुत लोग परेशान है, तो जोन सिलेक्शन लक का चीज होता है, कोई बता नहीं सकता आपको कन्फर्म कि इस जोन में कम फॉर्म गिरेगा, समझे। और अभी ये भी कोई 100% से नहीं बता सकता। मैं जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बहुत लोग कमेंट करेंगे कि यार नहीं, इतना नहीं, इससे ज्यादा जाएगा, ये जाएगा, तुम 60,000 वैकेंसी में आ गए इसलिए बोल रहे हो ये वो। भाई 60,000 वैकेंसी में मैं बता रहा हूँ कि मेरा सेकेंड हाईएस्ट जोन जो था सिकंदराबाद, वो 72 नंबर पे लड़कों को लिया है, उसके बाद भी वेटिंग क्लियर किया है, और जगह पे कम ही था, बहुत ज्यादा नहीं हाई होने वाला है, पिछले बार से 8 नंबर 9 नंबर बहुत हो जाएगा, मेरा कहना इतना है। इस पे बहुत लोग उल्टा कमेंट करेंगे, करो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इतना ही बोलूंगा कि हाँ अपना हाईएस्ट स्कोर करने का कोशिश करो, मेहनत फुल करो, उस पे ध्यान दो, इस पे नहीं कि कट ऑफ कितना जा रहा है, जोन सिलेक्शन कैसे करना, कर लो, लक अच्छा हुआ वहां पे कम चला जाएगा, नहीं हुआ तो ज्यादा मेहनत कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तब तक के लिए अलविदा, सब बखैर, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई ज्यादा करो, ठीक है।